100% दिन रात मेहनत करके बीजेपी के अच्छे दिन पालघर जिला में 100% आएगा। एक सांसद और 3 विधायक ये भारतीय जनता पार्टी के 2024 में होंगे। कार्यकर्ता की तकलीफ भरत राजपूत हैजा जिला देश की तकलीफ है, उसको उसकी तकलीफ में आधी रात को भरत राजपूत खड़ा रहेगा, उसको कहीं पे भी निराशा नहीं होगा कि कार्यकर्ता को कि मैं बीजेपी के लिए काम कर रहा हूँ और मुझे ये तकलीफ हो रही है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। इस वक्त वो व्यक्ति हमारे साथ उपस्थित है जो ढाणू का नगरा अध्यक्ष रहा, लगातार चुनाव जीतते हुए ढाणू में अपनी थाक जमाने वाला, अब पालघर जिले का उसको बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया है। इस जिले के नए पद के अध्यक्ष पद प्राप्त होने के बाद संगठन में कैसे काम किया जाएगा, माना जा रहा था इससे पूर्व कि भारतीय जनता पार्टी पालघर जिले में अपने आमदार कभी ला पाएगी, ये ठीक से या नहीं ला पाएगी तो उनको किस तरीके से उनकी योजना होगी, कार्यकर्ताओं को मनोबल कैसे मिलेगा, ये सारे सवालिया निशान बीते कुछ वर्षों से लगातार पालघर जिले में चल रहे थे। इसी के जवाब हम नए जिला अध्यक्ष से लेते हैं कि वाकई में संगठनात्मक काम होगा या फिर से वही होगा जो पीछे बीते वर्षों में होता रहा है। होता रहा है का मतलब संगठन कितना मजबूत होगा, इस पर हम बातचीत करते हैं और नए जिला अध्यक्ष से बातचीत करने के साथ ही करते हैं कि आखिर इनको किस तरीके से जिला अध्यक्ष पद मिला। नमस्कार भरत जी, जिस तरीके से अब जिला अध्यक्ष पद तो प्राप्त होने से पहले का जो रहा, संगठन पर बड़े सारे सवाल खड़े हो रहे थे, संगठन कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि बीजेपी के काम करने का एक स्टाइल है, वो स्टाइल पालघर जिले में नज़र नहीं आ रहा था, तो क्या माने कि जिला अध्यक्ष पद मिलने के बाद अब ठीक हो? आज जो मुझे विश्वास पार्टी ने दिखाया है और मुझे जो जिला अध्यक्ष पद की जवाबदारी दी है उसके पीछे एक ही है मकसद है पार्टी का कि 2024 लोकसभा और उसके बाद 2024 के विधानसभा ज़्यादा से ज़्यादा सीट बीजेपी की जीत के आए, और हर कार्यकर्ता यही चाहता था कि पार्टी 2014 में जब भी पार्टी के पास एक सांसद था, उसके पास 2 विधायक थे, पालक मंत्री थे, जिला परिषद का अध्यक्ष थे, तो आज उससे भी आगे ले जाना है मुझे और सब कार्यकर्ता का साथ लगेगा। और मुझे ये पता है कि हर एक कार्यकर्ता बीजेपी को, मोदी जी को मानने वाला, देवेंद्र जी को मानने वाला, 100% दिन रात मेहनत करके बीजेपी के अच्छे दिन पालघर जिला में 100% आएगा। स्टेट और दिल्ली तो आना ही आना है मोदी जी को और देवेंद्र जी को, लेकिन पालघर जिले में बीजेपी के अच्छे दिन 2024 में। क्या लगता है जिस तरीके से MLA की संख्या अगर देखें, बड़ी चिंतनीय है, खासदार जो पहले थे उनका दल बदलना फिर इस दल में आना, हालांकि अब आपके साथ में ही गठबंधन के साथ, लेकिन क्या लगता है आने वाले समय में नई तस्वीर कैसी होगी, कितने विधायक बढ़ सकते हैं, क्या दावा कर सकते हैं आप, क्या कार्यकर्ताओं को क्या हौसला मिलेगा? एक सांसद और 3 विधायक ये भारतीय जनता पार्टी के 2024 में होंगे, ये आप अभी दावा कर रहे हैं, ये सभी कार्यकर्ता की मन की इच्छा है। आप कोई भी कार्यकर्ता को पूछेंगे तो एक सांसद और 3 विधायक ये भारतीय जनता पार्टी का 100% होना चाहिए। अच्छा, एक रही है भरत राजपूत ने कोई चुनाव लड़ा, हारा नहीं, आप संगठन की चुनौती, संगठन और चुनाव हालांकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। संगठन में मैंने 30 साल से काम कर रहा हूँ, 30 साल में संगठन के में काम करते हुए लोगों को मैंने साथ जोड़ा है। वसई की प्रभारी, सह प्रभारी की जवाबदारी दी थी वसई विरार नाला सोपला कॉरपोरेशन की, अगर पार्टी मुझे वहाँ पे भेज सकती है काम करने के लिए, कुछ तो है मेरे में। और पालघर जिले में 95% जो लोग को ऐसा था कि नहीं बीजेपी 2014 के जो 14 पे जगह पे थी बीजेपी, एक सांसद, 2 खासदार, आमदार सॉरी, उसके बाद 2024 में बीजेपी का एक सांसद, 3 आमदार, जिला परिषद अध्यक्ष और मैक्सिमम नगरपालिका नगर पंचायत भारतीय जनता पार्टी की होगी। मुझे क्यों विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के पास लोग मानने वाले मोदी जी को है, देवेंद्र जी को है, उसको सिर्फ थोड़ा हमको जाके उनको मिलना है और उनको वोट बैंक तक लाना है। ये पद तक पहुंचते वक्त जैसे मिला पद, उसके बाद कार्यकर्ताओं का हौसला, ये सब कुछ देखने को मिला, क्या कुछ कार्यकर्ता में उत्साह है? आप कोई भी कार्यकर्ता को पूछेंगे तो उनको सबको खुशी है दिल से कि भरत राजपूत को मिला है तो पार्टी और मजबूत होगी। एक लाइन हमेशा रहती है, कार्यकर्ताओं को अगर किसी ने परेशान किया तो जिला अध्यक्ष क्या करें? कार्यकर्ता की तकलीफ भरत राजपूत हैजा जिला देश की तकलीफ है, उसको उसकी तकलीफ में आधी रात को भरत राजपूत खड़ा रहेगा, उसको कहीं पे भी निराशा नहीं होगा कि कार्यकर्ता को कि मैं बीजेपी के लिए काम कर रहा हूँ और मुझे ये तकलीफ हो रही है। ये थे भरत राजपूत, उनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में जिला अध्यक्ष पद प्राप्त करने के बाद 3 आमदार और 1 खासदार 2024 में और कई सारे पदों पर जो छोटे छोटे चुनाव नगर पंचायत और सरपंच आदि के होते हैं उसमें भी बीजेपी अपना अच्छा काम करे, ये सब देखने वाली बात होगी कि भरत राजपूत जो कह रहे हैं वो धरातल पर दिखाई देगा या नहीं। आने वाले समय में चुनौतियों को, संगठन को बड़ा करने वाला जो चुनौती है उस पर ये काम कर पाते हैं या नहीं, ये सारी बातें देखने वाली।